क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, y स्क्वायर प्लस 5y इनटू y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24, ओके, लेट y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू m, m इनटू m माइनस 2 माइनस 24, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 24, अब 2 को ऐसे एक्सपेंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 24 और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2 आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस 2 आना चाहिए, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4m माइनस 24, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 24, 6 फॉर द 24, m इज कॉमन, m माइनस 6 प्लस 4m माइनस 6, ओके, सो m माइनस 6 और m प्लस 4 ये फैक्टर्स है, क्या है m माइनस 6 एंड m प्लस 4, ओके, रिसेप्टेड m इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5y, m की ओरिजिनल वैल्यू क्या है y स्क्वायर प्लस 5y, सो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, अब देखो 5 वन जा सॉरी 6 वन जा 6, 6 माइनस 1 5, सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5y प्लस 6y इनटू माइनस 1 माइनस 6, सो y कॉमन y प्लस 6 माइनस 1 कॉमन y प्लस 6, तो इसके फैक्टर्स क्या है y प्लस 6 y माइनस 1, तो फाइनल y प्लस 6 y माइनस 1, अब यहां पे जाते हैं y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, नाउ सी 4 वन जा 4, 4 प्लस 1 5, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस 4, y कॉमन y प्लस 4, 1 कॉमन y प्लस 4, सो y प्लस 4 y प्लस 1 अब फैक्टर्स, ओके, वही नीचे लिखे, तो फाइनली फैक्टर्स क्या आते हैं y प्लस 6 y माइनस 1 y प्लस 4 y प्लस 1, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, बार बार देखो वीडियो समझ में आएगा, ओके, नाउ x माइनस 3 x माइनस 4 द होल ब्रैकेट स्क्वायर x माइनस 5 एंड माइनस 6, अब स्क्वायर वाले टर्म को मैंने साइड में रखा है और x माइनस 3 x माइनस 5 को मैंने साथ में रखा, ओके, क्यों देखो x इंटू x x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 3x माइनस 5 इंटू x माइनस 5x, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3 5 का 15 मल्टीप्लाई किया, समझ में आया ना, ओके, यहां पर देखो x माइनस 4 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी 8x प्लस 16, a प्लस a माइनस b द होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस इनटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या क्या दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 इनटू x 4x उसका ट्वाइस कितना हुआ 8x प्लस 16 माइनस 6, अब देखो x स्क्वायर माइनस 8x x स्क्वायर माइनस 8x राइट, सो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू m, m प्लस 15 m प्लस 16 माइनस 6, m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 16m प्लस 240 माइनस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 240 माइनस 6, सो m स्क्वायर प्लस 31m प्लस 234, 240 से 6 को माइनस किया 234 राइट, नाउ अब 31 को कैसे एक्सपेंड किया देखो 18 इनटू 30, 18 इनटू 30 कितना आया 30 सॉरी 234 और दोनों को प्लस करके क्या आया 31, दोनों को प्लस करके आंसर आया 31 और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 234, m कॉमन m प्लस 18 प्लस 13 कॉमन m प्लस 18, सो m प्लस 18 m प्लस 13 ये फैक्टर्स है, फिर m की ओरिजिनल वैल्यू जो है x स्क्वायर माइनस 8x उसको प्लॉट किया, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, अब यहाँ पे 8 को हम लोग ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते एक्सपांड नहीं कर सकते कि जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर 18 आना चाहिए, ओके, और ना यहाँ पे 13 आ सकता है, इसलिए इसके फाइनली फैक्टर्स के क्या है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, अंडरस्टूड, एंड हियर 3.5 फिनिश।